हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जानिए आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। सिंधु ने रचा इतिहास, लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, सुशील कुमार के रिकॉर्ड की बराबरी। भारत वर्सेस ब्रिटेन का हॉकी मैच, दूसरे क्वार्टर में 2-0 से आगे भारतीय टीम, दिलप्रीत और गुजंत ने दागे गोल। 41 साल बाद टॉप 4 में पहुंचने का मौका। कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकेंगे। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन का डेटा जारी, जुलाई में जीएसटी से सरकार के खजाने में 1.16 लाख करोड़ रुपए आए, ये जून से 23,000 करोड़ ज्यादा। मौसम की मार जारी, भारी बारिश से दिल्ली में यमुना उफान पर, राजस्थान में घरों में भरा पानी, हिमाचल में 632 करोड़ का नुकसान। महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला केस, पुणे में 50 साल की महिला संक्रमित, केरल में अब तक 63 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना की आर वैल्यू ने परेशानी बढ़ाई, एक पॉजिटिव से दूसरे में संक्रमण की आशंका बढ़ी, सरकार बोली जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा वहीं सख्ती करें। कैश से फैल सकता है कोरोना, क्या कैश से भी फैल सकता है कोरोना, COVID-19 इन्फेक्शन, जानिए क्या कहती है जर्मनी की रिसर्च। अफगानिस्तान के केंदार एयरपोर्ट पर हमला, कंदार हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे गए, सभी उड़ान रद्द, अफगान सेना और तालिबान के बीच जारी जंग। बारहवें दौर की वार्ता से सहमति, लद्दाख से 2 विवादित बंधुओं से पीछे हटने को तैयार हुए चीन, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पॉइंट से हटेगी पहली। खुशी की नई तलाश, मुश्किल विचार दबाए नहीं, स्वीकार करें, कई बार हम छोटी दिक्कतों को भी मुसीबत मान लेते हैं, खुशी एक फैसले है जो हमें लेना पड़ता है। बच्चों को गोद लेने के नियम में हो रहा है बदलाव, बच्चों को गोद लेने के नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव, जाने राज्यसभा में पास हुए नए जुमिनाइल जस्टिस बिल से क्या क्या बदल सकता है। संसद सत्र के 2 हफ्ते हंगामे के भेंट चढ़े, 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे काम हुआ, 133 करोड़ का नुकसान, राज्यसभा 21% तो लोकसभा तय समय की सिर्फ 13% चली। कोरोना का असर, चप्पल पहनना दबूर, 13 साल की सोफिया की उंगलियों में अल्सर हुआ, सूजन के साथ फफोले पड़े, जानिए क्या है कोविड टोज और इसके लक्षण। टोक्यो ओलंपिक, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, टोक्यो ओलंपिक में भारत का 3रा मेडल, भारतीय हॉकी टीम ने ब्रिटेन पर बढ़त बनाई। अनलॉक में मिल रही रियायतों का असर, जुलाई में पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी, कोरोना काल से पहले की तुलना में ज्यादा खपत हुई। LIC IPO से पहले एक और बड़ा बदलाव, सरकारी कंपनियों में पब्लिक होल्डिंग का नियम खत्म होगा, रिटेल निवेशकों के लिए झटका। IPS सोनाली मिश्रा ने संभाली पंजाब फ्रंटियर की कमान, पहली बार महिला अधिकारी के हाथों में अटारी बॉर्डर की सुरक्षा, MP की बेटी कश्मीर घाटी में भी दे चुकी है सेवाएं। तेलंगाना में जिंदगी बचाने का वीडियो, सिकंदराबाद में ट्रेन पकड़ने की कोशिश में महिला गिरी, कांस्टेबल ने बचाया, रेलवे की हिदायत, जिंदगी बॉलीवुड फिल्म नहीं। खुददार कहानी, बिहार की विनीता ना बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन इनकी पेंटिंग की गूंज देश भर में है, ऑनलाइन कर रही है मार्केटिंग।
हमारे अच्छे सारे खत्म होते हैं, आपसे मिलेंगे ऐसी और बड़े अगले सतर्क रहे सुरक्षित। जय हिंद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।